بل خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى बसमीम्स वरम् वबरकू मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बीमार और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे अल्लाह स्वाना तै हमेशा आपको अच्छे हालों में रखे और आपकी तरफ़ बढ़ने वाले हर शर को खैर बदल दे आमीन आज ट्वेंटी फ़स्ट ऑफ़ रमज़ान है और आज हमारा तब्दीली का भी इक्कीसवा दिन है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह साल से दुआ है कि जो कुछ हम सुन रहे हैं इस पर हमें अमल करने की तोफ़ीकत आ फरमाए और जो जो तब्दीलियाँ हम अपने अंदर ले कर आ रहे हैं वो दायमी हो वो परमानेंट हो वो टैम्प्ररी ना हो ऐसा ना हो कि रमज़ान चला जाए और जो कुछ हमने सीखा है वो बस रमज़ान तक ही रह जाए आ, मैं हमेशा कहती हूँ रमज़ान जो है वह एक ट्रेनिंग सेशन है असल जो होगा आपका इम्तहान वो तब होगा जब आपको मैदान जंग में उतारा जाएगा यानी वो प्ले ग्राउंड है आपकी जो ग्यारह महीने होंगे जिसपे आपने अमल करना है इन जो कुछ इधर से सीखेंगे वो आपके लिए फ्यूल का आपके लिए एक एनर्जी का काम करेगा और इसके बाद आप इस अमल करेंगे और आपके लिए अमल करना आसान हो जाएगा अलहमदुल्ला का जितना शुक्र अदा करें कि कम है कि रिस ने हमें रमज़ान अदा किया व नाम तो भटके हुए होते हैं दुनियादारी में लगे होते हैं अब एक एक स्टॉप मिलता है हमें और ये जो एक लॉकडाउन वाली सिचुएशन है हम लोग अपने घरों में बंद हैं ये भी एक तरह से हमारे लिए ब्लेसिंग भी है क्योंकि तो रमज़ान में आप देखें इबादतें तो हो रही होती हैं लेकिन इसके साथ दुनिया के बहुत ज़्यादा काम हो रहे होते हैं और वह ज़रूरत भी है लेकिन अब यहाँ पर सब कुछ बंद हो चुका है अब हमें सिर्फ फोकस करना है अल्लाह के बताए हुए रस्तों के ऊपर फोकस करना है ताकि हम नेक रस्तों पर चल सकें और जन्नत तक पहुँच सकें जो हमारा असल ठिकाना है तो आए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं जिसका नाम है रियाकारी नमूदो नमाइश दिखावा और ये बहुत ही सीरियस टॉपिक है इसको आपने सीरियसली लेना है और इसमें से जो पॉइंट्स हैं वो आप नोट कर ले अपने पास रख लें या कहीं पे आप लगा दें ताकि आप हमेशा इस आपके सामने रहे कि आपके किसी अमल में रे आकारी तो नहीं आ रही या आपको रोज़ अपना जायज़ा लेना है इन तो स्टार्ट करते हैं रबि शाहली सदरी वसिल अमरी वाहल़मसानी यफ़ाह हु कौली रब्लमा फ़िहनाफ़ी आमीन कुरान पाक में अल्लाह व तआला फ़रमाते हैं वमा खलक्तुल जिन्ना वल तोन्ना इल्ला अल्लादून और मैंने जिन और इंसानों को इसी वास्ते पैदा किया है कि वो मेरी इबादत करें यानी हम इस दुनिया में क्यों आए हैं असल जो गोल है वो यही है असल जो काम है वो यही है कि हमें अल्लाह की इबादत करनी है लेकिन अल्लाह की इबादत उस वक्त कबूल होती है जब वो खालस तन प्योरली फ़ॉर द सेक ऑफ अल्लाह हो यानी अल्लाह तआला की खुशनूी हासिल करने के लिए हो कि अल्लाह तआला हमसे राज़ी हो जाए अगर अल्लाह हमसे राज़ी नहीं है तो ऐसे अमाल लेके हम किसके पास जाएंगे हम कहते हैं मालिक य उमदीन तो अल्लाह रोज़े जजा का मालिक है उसने हमें इसकी सज़ा और जजा देनी है हम तो किसी और के पास नहीं जाएंगे तो अगर अल्लाह ही हमसे राज़ी नहीं हमारा हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं ठीक है उससे अल्लाह से तला राधी नहीं है तो फिर वो अमल लेके किसके पास जाने हम हमें इसके बदले में कुछ भी नहीं मिलने वाला कुछ भी नहीं मिलने वाला सब पे क्रॉस लग जाएगा और वो एक्सेप्ट नहीं होंगे सो वी हैव टू बी वेरी वेरी कॉन्शियस अबाउट आवर एवरी एक्शन एंड अबाउट आवर ऑल इंटेंशंस अपनी सारी जो इंटेंशंस हैं जो आपकी नीयतें हैं और जो जो आप एक्शंस कर रहे हैं इनके बारे में हमें बहुत ध्यान रखना है कि अल्लाह तआला के हाँ ये कबूल भी हो रही हैं कि नहीं हो रही आप देखिए हज़रत इब्राहीम हज़रत इस्माइल अलैहि सलाम ने जब अल्लाह तआला का घर बनाया तो उन्होंने क्या दुआ की रब्बना तक़बल कब्बल वो कहते हैं कि अल्लाह सला तू हमसे कबूल फरमा तो हमें हमें भी इस बारे में डरना है कि अल्लाह तआला आप हमारे हर अमल को कबूल फरमा रहे हैं कि नहीं प्लीज़रबालमिन हमारे हर अमल को कबूल फ़रमा ले और हमारा अजर दुनिया और आख़रत दोनों में लिख दे ये ना हो हमें इसका अजर दुनिया में मिल जाए और आखरत में हमारा कोई हिस्सा ना हो अल्लाह सल्ल तुरन में फरमाते हैं सरा अलबैया ना हालाँकि उन लोगों को यही हुक्म हुआ था कि अल्लाह की इस तरह इबादत करें कि इबादत इसी के लिए खालस रखें यानी जितनी भी साबका किताबें थी उनमें यही अल्लाह साली ने दिया कि जो आपनी इबादत करनी है वो कैसी हो जो खालिस्तन अल्लाह के लिए हो अब आप नमाज़ पढ़ी हैं तो आप देखें आप किसके लिए पढ़ी हैं आप कुरान पढ़ रही हैं तो किसके लिए पाड़ी हैं लोगों को दिखाने के लिए पाड़ी हैं तो आपके सारे मालजायें हैं गत हैं कोई फ़ायदा नहीं वो मुँह पर दे मारे जाएंगे आपको कि ये आपने अल्लाह के लिए नहीं किया आप अगर सदका हिरतार है करते हैं और सिर्फ इसलिए करें कि लोगों को पता चले वाह ये कितनी डोनेशन कर दी है कई लोग इस चीज़ में बहुत खुश होते हैं कि हमारा नाम हमारी वाह वाह हो इवन ये कि मस्जिदों में लोग पैसे देते हैं इसलिए कि लोगों को मोहल्ले में सबको पता चल जाए कि भाई इन्होंने इतनी डोनेशन दी है सब ज़ाए हैं इस दुनिया में शायद आपकी वाह वाह हो जाए लेकिन आखिरत में आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला क्या लेके जाएंगे आप अल्लाह के पास इस दुनिया से थक हार के गए हैं आप अमल कर कर के थक गए हैं लेकिन आगे जा आपको कहा जाए कि सॉरी ये एक्सेप्रेट नहीं है क्योंकि ये आपने अल्लाह के लिए नहीं किए थे ये आपने आप अपने लिए किए थे कि आप मशहूर हो जाएं लोगों में आपका चर्चा हो जाए आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला इसलिए अपने हर अमल करते वक्त अपनी नीयतों को जांचें अपना हिसाब खुद लें अपना जायज़ा लें मैं ये काम किसके लिए कर रही हूँ हर अमल में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसमें ज़रा सा भी शो ऑफ के एलिमेंट ना हो एक सराल बकरा की आयत लेते हैं बड़ी ख़ूबसूरत इसको समझते हैं ए ईमान वालों तुम एहसान जतला कर या ईज़ा पहुँचा कर अपनी खरात को बर्बाद मत करो इस शख्स की तरह जो अपना माल खर्च करता है लोगों को दिखाने की गर्ज से और ईमान नहीं रखता अल्लाह पर और योम आख़रत पर सो इस शख्स की हालत ऐसी है जैसे एक चिकना पत्थर जिस पर कुछ मट्टी हो फिर इस पर ज़ोर की बारिश पड़ जाए सो तो इसको बिल्कुल साफ़ कर दे ऐसे लोगों को अपनी कमाई ज़रा भी हाथ ना लगेगी और अल्लाह ताला काफिरों को जन्नत का रास्ता ना बतलाएंगे यानी अल्लाह ताला काफिरों का रास्ता ना बतलाएंगे बड़ी डरने वाली बात है ये बहुत ज़्यादा आप किसी को डोनेट कर रहे हैं किसी पे एहसान कर रहे हैं और उसके बाद उसको जितला रहे हैं आप अपना माल हर्ज कर रहे हैं और फिर उसको बता भी रहे हैं कि मैंने तुम पर एहसान किया है तो अल्लाह सुनाना ताल एग्जांपल देते हैं कि जैसे एक मट्टी है उस पर एक पत्थर है उस पर एक मट्टी है तो जब पानी पड़ता है तो क्या होता है सारी मट्टी बह जाती है तो ऐसे सारे अमाल आपके ज़ाया हो जाने हैं इसलिए बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ख्याल रखें कि आप किसी पर एहसान कर रहे हैं तो आप अल्लाह के लिए कर रहे हैं देखिए हम किसी से नेकियां करते हैं और कभी कभी इन रिटर्न वही इंसान हमें तकलीफ़ पहुँचा देता है जिससे हमने एहसान किया होता है होता है ना घरों में भी ऐसा होता है हम किसी के साथ अच्छा करते हैं और वो हमारे लिए बुरा करता है तो हम क्या कहते हैं एहसान का तो ज़माना ही नहीं है नेकी का तो ज़माना ही नहीं है ऐसा नहीं करना आपने अगर वो अल्लाह के लिए की है तो फिर किस चीज़ का डर अल्लाह ने कबूल कर ली इंसान चाहे आपको नुकसान दे चाहे वो आपकी तारीफ़ करे आपका इससे कोई लेना देना नहीं आपने अल्लाह के लिए कहा किया और अल्लाह आपसे कबूल फ़रमाएगा इंशाल्लाह शाला यहाँ एक और चीज़ मेंशन कर दूँ कि जब आप कोई ऐसा नेकी का काम कर रहे होते हैं सपोज़ आप सदक़ात या ज़कवा़ से या कोई भी काम करें आप जो से तो अगर आप लोगों को कहते हैं कि मैं ये कर रही हूँ आप भी इसमें शामिल हों तो आप लोगों को इस नीयत से कह रही हैं कि ताकि लोग एक जमात के साथ मिलकर काम करें और ज़्यादा लोग मिलकर काम करेंगे तो काम अच्छा हो जाएगा और लोगों को मोटिवेट करने के लिए आप उनको कह रहे हैं तो याद रखें अमाल का दारोमदार नीयतों पर है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी नीयत आप किस नीयत से काम कर रहे हैं तो जब क्योंकि आप इर्द गिर्द देखेंगे कि बहुत से लोग दीन के लिए काम कर रहे हैं लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं तो लोगों को मोटिवेट करने के लिए दिखाना पड़ता है बताना पड़ता है कि आप भी हमारे साथ मिलकर काम करें तो इसमें कोई बुराई नहीं असल चीज़ जो काउंट होगी वो होगी आपकी नीयत और अगर आप छुप कर काम करना चाहते हैं अल्लाह रहा तैयार ने आपको इतना ताफ़ फरमाया तो आप ज़रूर करें लेकिन हर बंदा आ, की इस्तात इतनी नहीं होती उसे लोगों की मदद की भी ज़रूरत पड़ती है लोगों के साथ की भी ज़रूरत पड़ सकती है तो आप ले सकते हैं लेकिन अपनी नीयत हमेशा ये होनी चाहिए कि मुझे अल्लाह की रजामंदी चाहिए कि अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाएल तब सबसे राज़ी हो जाए आपके तमाम नेकमाल को कबूल फ़रमा ले ये जो दिखावा है ना ये और जो शो ऑफ है ये हमें गहरी खाई में गिरा देता और हमें समझ भी नहीं आती हम काम कर रहे होते हैं हमें पता भी नहीं चलता और हम अपनी वाह वाह के चक्कर में लगे रहते हैं और लोगों को बता देते हैं मैं ये भी कर रही हूँ मैं ये भी कर रही हूँ मैं ये भी कर रही हूँ तो अला तआला हमें इस खाई में गिरने से बचा ले और हमारे सारे माल गारत होने से बचा ले आमीन अल्लाह सल्ला तआला कुरान में फरमाते हैं युरा अल्लाह सवला कलीला सिर्फ लोगों को दिखलाते हैं और अल्लाह ताला का जिक्र भी नहीं करते मगर बहुत ही मुख्तसर यानी जो कुछ भी लोग ऐसे अमाल करते हैं दिखावे के लिए सिर्फ दिखावा है सिर्फ लोगों के लिए है वो लेकिन वल्लाह का जिक्र नहीं करते यानी दिखावे के लिए आप कोई अमल कर रहे हैं सपोज़ आप जिक्र कर रहे हैं आपके हाथ में तस्वीर है इसलिए कि लोग आपको कहेंगे ये तो बहुत ज़्यादा जिक्र करने वाली है तो असल में जो जिक्र होता है ना वो ज़ुबान के साथ साथ दिल भी उसमें शामिल होता है उसमें आपकी रूह भी शामिल होती है जो आप ज़िक्र कर रहे हैं और जिसके लिए कर रहे हैं आपको ये पता है कि नहीं पता आप मुँह से क्या अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोई भी आपका अमल है वो कबूल तब होगा जब वो खालिसतन अल्लाह तआला के लिए होगा हज़रत अबू हर रिजलानों की रवायत है एक उनसे एक हदीस हमें पता चलती है वो कहते हैं कि मैंने रसोल्ल वसलम को फरमाते हुए सुना अल्लाह तबारा फरमा अल्लाह तै से दुआ है कि अल्लाह स्मल हमारे दिलों को नफाक से यानी मुनाफ़त से पाक रखे हमारे अमल को रिकारी नमूदो नुमाइश से पाक रखे और हमारे तमाम नेक को भूल फरमाे आने एक बड़ी ख़ूबसूरत हदीस आपसे शेयर करती हूँ जो कोई नेक अमल इसलिए करता है कि लोगों में चर्चा हो तो अल्लाह तबारक ताल इसकी हकीकत लोगों को सुनवा देते हैं और जो लोगों को दिखाने के लिए नेक अमल करता है तो अल्लाह ताली लोगों को इसकी हकीकत दिखा देते हैं यानी कोई इंसान इसलिए काम कर रहा है कि लोग उसकी वाह वाह करें तो उसकी हकीक़त भी लोगों को पता चल जाती है और जो इंसान किसी को दिखाने के लिए करता है तो उसकी भी हकीकत इंसानों पर खोल दी जाती है तो यबालमीन हमारे तमाम नेक अमाल को कबूल फ़रमाया अगर इनमें ज़रा बराबर भी अदारी है तो याबुआमीन हमें इसे पाक कर दे हमारे दिलों को हमारे जाहिर को हमारे बातिन को पाक कर दे आमीन और हमसे हर नेक अमल को कबूल फ़रमा ले आमीन अब एक लंबी सी हदीस है जिसमें हम सब के लिए बहुत कुछ सीखने के लिए है और यीन ये एक डराने वाली हदीफ भी है लेकिन इसे हम अपने अमलों का जायज़ा लेंगे जायदा लेंगे इन शज़रत अबू हर रज़ी की रवायत करदा हदीस शरीफ़ में है वो कहते हैं मैंने रसूल सल्हु वसम को कहते हुए सुना क़्यामत के दिन जिस आदमी का फ़ैसला सबसे पहले होगा वो शख़्स होगा जो अल्लाह की राह में शहीद हुआ जब इसको अल्लाह ताला के पास लाया जाएगा तो अल्लाह ताला इसको अपनी तो याद दिलाएंगे तो वो इनका अतराफ़ करेगा फिर अल्लाह ताला सवाल करेंगे कि इन नेमतों के बदले में तुमने क्या किया वो कहेगा मैंने तेरी राह में कताल किया यहां तक कि मैं शहीद हो गया अल्लाह ताला फरमाएंगे नहीं तूने झूठ कहा तूने इसलिए कताल किया कि लोग तुझे जर्री और बहादुर कहें सो तुझे बहादुर कहा गया फिर हुक्म होगा कि इसे मुंह के बहल घसीटते हुए जहन्नम में ले जाओ फिर एक दूसरा शख्स पेश किया जाएगा जिसने दीन का इल्म सीखा और सिखाया और कुरान पाक का इल्म हासिल किया अल्लाह ताला इसे अपनी नेम तो याद लाएँगे और वह इनका का करेगा फिर इससे सवाल किया जाएगा कि तूने इनके बदले में क्या अमल किए वो कहेगा कि मैंने तेरे लिए इल्म सीखा और सिखाया कुरान पढ़ा अल्लाह तबारक तार शाद फरमाएंगे, तूने झूठ कहा तूने इसलिए इल्म हासिल किया कि लोग तुझे आलिम कहें और कुरान इसलिए पढ़ा कि लोग तुझे कारी कहें सर दुनिया में तुझको आलिम और कारी कहा गया फिर हुक्म होगा कि इसको मुँह के भल ले जा जहन्नु में डाल दे एक और शख़्स होगा जिसको अल्लाह ताला ने हर किस्म के माल से नवाज़ा था अल्लाह तबारा इसे अपनी नियमतें याद दिलाएंगे, फिर अल्लाह ताला इसे सवाल करेंगे कि तूने ने इन नियमतों के बदले में क्या किया वो कहेगा कि मैंने तेरे लिए तेरी राह में माल खर्च किया जिन राहों में तूने ख़र्च करना पसंद करता है जिन राहों में तो खर्च करना पसंद करता है अल्लाह फरमाएंगे तूने तू तु झूठा है तूने माल इसलिए खर्च किया कि लोग दुनिया में तुझे सखी कहें तो लोगों ने तुमको दुनिया में सही कह दिया फिर हुक्म होगा कि इसे मुँह के बल घसीट कर ले जाओ और जहन्नु में डाल दो बहुत ज़्यादा डरने वाली हदीस है ये इसमें तीन कैटेगरीज़ के लोग बताए गए हैं जो काफिरों से भी पहले जहन्नुम में जाएंगे सबसे पहले इनको डाला जाएगा मुसलमान होंगे लेकिन पहला वो शख़्स होगा जो इसलिए शहीद हुआ कि मेरे जाने के बाद लोग कहें कि ये शहीद हुआ है इसने दीन के लिए शहीद हुआ है। इन्हीं वो लोगों में अपना चर्चा चाहता था तो अल्लाह अला तो जानते हैं हमारी नीयतों से तो्ला सन्ना कहेंगे कि इसको जहन्नुम में डाल दिया जाए घसीटते हुए और फिर वो इंसान जो तो इस दुनिया में क़ुरान सीखता और सिखाता है वो हाफिज़ है वो आलिम है उसको डाला जाएगा कि वे इसलिए दीन का काम करता था कि लोग उसको हाफिज़ कहें लोग उसको आलिम कहें तो ये तो दिखावा है ये तो नियतों का खोट है जिसकी वजह से अमल भी ख़राब हो जाते हैं तो दूसरी ये कैटेगरी है जिसको जहन्नुम में डाला जाएगा और तीसरी कैटेगरी जो अपना माल इसलिए खर्च करते हैं कि लोग उनको बड़ा सखी कहेंगे इसका दिल बड़ा ही खुला है तो इसको भी जो हनुम में डाल दिया जाएगा तो हम सबको को अपने माल का जायदा लेना है हम जो कुछ भी कर रहे हैं रमज़ान में भी जो बातें कर रहे हैं और रमज़ान के बाद भी जो इबादत करेंगे जो भी हम काम कर रहे हैं वो अल्लाह के लिए है या नहीं क्योंकि कबूल तभी होगा जब वो अल्लाह के लिए होगा अल्लाह हमसे राज़ी है दो तो ही हमारे अमल जो है वो कबूल होंगे दीन की रूह यही है कि हम अपने कल और अमल जो हम कहें और जो हम काम करें वो अल्लाह के लिए हो अल्लाह व तआला हमें अपने दीन के लिए खालिज कर ले हमें अपने दीन के लिए चुन ले और हमसे बेहतरीन काम ले ले अल्लाह लें तारे इस तमाम ऐब ढाँप दे हमें ख़ौफ से अमन दे और हमें रियाकारी से पाक कर दे आमीन अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा व आखिर दावाना रब्बिल आलमीन अनुमदिल्ल व असलकुम व बरकातहू